तुम कश्मीर में पत्थर फेंकते रह गए, वो गेंद फेंककर दुनिया भर में छा गया। तुम अपने ही देश से गद्दारी करते रहे, वो अपने देश का मान बढ़ा गया। जिसके मुरीद हो गए क्रिकेटर महान, वो है जम्मू कश्मीर वाला उमरान। सुनो कश्मीर के भटके हुए नौजवानों, तुम वहाँ पत्थर ही फेंकते रह गए और तुम्हारे ही यहाँ का उमरान मलिक गेंद फेंककर दुनिया भर में छा गया। तुम में और उस लड़के में फर्क ये है कि तुमने पत्थर फेंकने का रास्ता चुना और उमरान ने गेंद फेंकने का, और यही फर्क उमरान को देश का हीरो बना गया। आज उमरान को कौन नहीं जानता, एक ऐसा गेंदबाज जिसकी रफ्तार के आगे बड़े से बड़े धुरंधर बल्लेबाज खौफ खाने लगते हैं, जिसकी रफ्तार के कायल दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर होने लगे हैं, जो अपनी मेहनत टैलेंट और लगन के बलबूते टीम इंडिया में आ गया। उस उमरान से तुम भी कुछ सीखो और हाथों से पत्थर छोड़कर कुछ ऐसा पकड़ो जो देश के काम आए, जैसे कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, उमरान की तरह बॉल या बैट या कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें एक इंसान बनाए ना कि हैवान। थोड़े अरसे में एक अनजान खिलाड़ी से भारतीय टीम में जगह बनाने का उनका सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। फल बेचने वाले पिता के इस 22 वर्षीय सपूत ने 2022 की आईपीएल को रोमांच से भर दिया। उनकी तेज गेंदों ने बल्लेबाजों में खौफ पैदा किया, गलतियां करने पर मजबूर किया। यॉर्कर हो या बाउंसर, उन्होंने धुरंधर बल्लेबाजों की हवा खराब कर दी। उनकी तेज गेंदों पर बिखरते विकेट का नजारा ही अद्भुत था। 14 मैचों में 22 विकेट उनकी सफलता बयां करते हैं। उमरान ने इस आईपीएल में 14 बार मैच की सबसे तेज गेंद फेंकने का कमाल किया। इस दौरान उन्होंने आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद फेंकी 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उनसे ज्यादा तेज गेंद ऑस्ट्रेलिया के शान टेच ने फेंकी थी 157 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यानी माना जाए तो ये संयुक्त रूप से भारत के सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बन गए। जम्मू कश्मीर से एक ऐसा तेज गेंदबाज उभरा है जिसके प्रदर्शन की गूंज अपने देश में नहीं दुनिया भर में सुनाई पड़ रही है। इस गेंदबाज के मुरीद वो खिलाड़ी भी है जिनकी क्रिकेट जगत में तूती बोलती रही है। यही नहीं, ब्रायन लारा, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे पुराने धुरंधर भी उमरान के फैन हो गए। इसी का नतीजा था कि अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाली घरेलू T20 सीरीज के लिए उन्हें टीम इंडिया में चुन लिया गया। यूं तो इस बार इंडियन प्रीमियर लीग में कई भारतीय तेज गेंदबाजों ने जलवा बिखेरा, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उमरान मलिक ने। उनकी तूफानी गेंदबाजी का ऐसा रंग जमा कि हर कोई कायल हो गया। जो गेंदबाज पिछले सीजन में अपनी गेंदों की दिशा और लंबाई के लिए संघर्ष कर रहा था, आज सफलता का स्वाद चख फ्रेंचाइजी ही नहीं राष्ट्रीय टीम में भी जगह बना गया। पिछले सीजन में सिर्फ 3 मैच खेले उमरान को इस बार नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 करोड़ देकर अपने पास रखा। टीम प्लेऑफ के लिए भले ही क्वालिफाई नहीं कर पाई, पर उमरान मैच विजेता गेंदबाज के तौर पर सामने आए। हाल ही में खेल को अलविदा कहने वाले दक्षिण अफ्रीका के तूफानी गेंदबाज डेल स्टेन तो उमरान को भावी स्टार मानते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के कोच के तौर पर उन्होंने उमरान की गेंदबाजी को निखारा है। पिछले सीजन की तुलना में इस बार उमरान की गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता में काफी सुधार दिखाई दिया। उमरान के आदर्श ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ब्रेटली हैं। इस तूफानी गेंदबाज की सलाह है कि उमरान मलिक को अपनी गति में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। वो जितनी तेजी से गेंद फेंक सकते हैं फेंके, उसका एक्शन परफेक्ट है। हालांकि इस आईपीएल के शुरू में वो खर्चीले जरूर साबित हुए, लेकिन बाद में उनकी रफ्तार के खौफ ने बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को डिगा दिया। हार्दिक पंड्या हो या श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसेल हो या शुभमन गिल, सभी परेशानी में नजर आए। कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर के टीम के सलाहकार रहे इरफान पठान ने भी उमरान की खामियों पर काम किया था। फिर डेल स्टेन से मार्गदर्शन मिला और साथ ही टीम सहयोगियों से भी। जिस खिलाड़ी ने 17 साल तक की उम्र तक कोई कोचिंग नहीं पाई हो, लेदर की गेंद का इस्तेमाल नहीं किया हो, उसके लिए परीक्षा का समय है। लेकिन आईपीएल में उन्होंने जिस तरह की सनसनी फैलाई, उसी तरह अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो टिक गए तो टीम इंडिया की सफलता का ग्राफ और ऊंचा हो जाएगा। 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेफ थॉम्सन ने कहा था कि मुझे पिच पर खून गिरा हुआ देखकर मजा आता है। यानी उनका निशाना बल्लेबाज को घायल करने का रहता था।
उमरान को भी बल्लेबाजों के हेलमेट पर गेंद मारने में मजा आता है। इसका मतलब है अपनी गेंद की तेजी से बल्लेबाज को संभलने का मौका नहीं देना, खौफ में डालना। आउट करने का एक तरीका ये भी है। जम्मू कश्मीर के क्रिकेट के लिए ये जश्न मनाने का मौका है। उमरान मलिक राज्य से दूसरे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला है। इससे पहले ऑफ स्पिनर परवेज रसूल को ये श्रेय मिला था, पर वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। आईपीएल में खेले जम्मू कश्मीर के 4 क्रिकेटरों में उमरान सबसे ज्यादा चर्चित हुए हैं, इसलिए उनसे अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के वो नौजवान जो आए दिन भारतीय सेना पर पत्थर फेंकते हैं, उन्हें भी उमरान मलिक से सीख लेने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, अपना उत्तर प्रदेश।